टू वेज जिनसे आप ओवरथिंकिंग हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। नंबर वन, जिन चीजों को हम वैल्यू करते हैं पूरे दिन हमारे दिमाग में वो ही चलती रहती हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों को ओवरथिंक करते हो तो इसका मतलब आपने ऐसी चीजों को बहुत वैल्यू दे रखी है जिनको आपको वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी, और ये बात हमें बहुत लेट समझ आती है। जितनी कम चीजों को आप वैल्यू दोगे उतनी कम चीजों से आपको फर्क पड़ेगा। जैसे आप किसी चीज की रियलिटी जानकर उसको अनइम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, वो आपके माइंड से ड्रॉप हो जाती है और आपका मन हल्का हो जाता है। नंबर टू, कुछ लोग जिनको पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सब कुछ करना बंद कर देते हैं और बस बैठकर सोचते रहते हैं कि क्या करना है, जिससे वो और गहरे ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। ओवरथिंकिंग से बाहर आपको ओवरथिंकिंग करके नहीं निकल सकते, आपको एक्शन लेना जरूरी है, इसलिए खाली मत बैठो। अगर आप अपने ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन देकर काम नहीं करवाते तो वो उस खालीपन को भरने के लिए अपने आप कुछ न कुछ सोचने लगेगा।